सध्या आंदोलनाची सुरुवात शहाणे या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते. मी सध्या आहे दिल्ली सिंधू बॉर्डरवरती आणि दिल्ली सिंधू बॉर्डरवरती अशा पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात चहा या ठिकाणी तयार केला जातो. या बाजूला जर तुम्ही पाहाल तर हे स्टेज आहे, या स्टेजवरतीच सध्या आंदोलनाची सुरुवात आहे. सुरू आहे, गेल्या 10 दिवसापासून या ठिकाणी आंदोलन केलं जातं. या ठिकाणी जे शेतकरी आहेत ते बसतात, ट्रॅक्टर हेच त्यांचं स्टेज आहे. तर सध्या हे जे शेतकरी आहेत त्या ठिकाणी जमलेले आहेत आणि नक्की दिवसाची सुरुवात कशी होते हे त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेणार आहोत. साधारणपणे जर म्हटलं गेलं हे सगळे शेतकरी जे आहेत 3.5 ते 4 किलोमीटरच्या रांगा लागल्या आहेत. आता वाढलेली आहे, त्या ट्रॅक्टर आहे, ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीमध्ये झोपतात किंवा ट्रॅक्टरच्या खाली झोपतात. तर त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेणार आहोत की दिवसाची सुरुवात नक्की या ठिकाणी कशी होते. बाबाजी सबसे पहले तो मुझे बताओ, 4 बजे उठ गए स्नान पानी करके, बड़ी बड़ी जल्दी 6 बजे अभ्यास करके फिर जल पानी करके स्नान पानी सारे करके 10 बजे शुरुआत हो जाती है. स्नान करने के लिए पानी गर्म होता है ठंडा? आज 10-11 दिन हो गए यहाँ पे है. आप घर की आते हैं? खेती मंडी जी दिहाड़ीदार बंदा कैसे प्यारे मूंगी की दाल 3,000 खरीद के 10,000 देंगे, 7,000 रुपया एक क्वांटल के मतलब दे दिया, कारपोरेट का दे दिया, वजह सौ का आया एक काम लगा बढ़िया पैसे चले गए. अभी चीन की शुरुआत हो जाने के बाद महाराष्ट्र कर्नाटक कभी ऐसे स्टेट से तक यहाँ पे आ रहे हैं आपको? हाँ जी आ रहे, गोवा तो भी आ रहे, तमिलनाडु तो भी आ रहे. तमिलनाडु से क्या लगता है आपको, मोदी सरकार ये कानून वापस लाना तो चाहिए? जिन्ना टाइम लेट कर रहा है ना उन्ना उन्ना होर फटक हो जाता है. जितना भी इतना कौन है ना, मैं मन की बात करूंगा, जितनी बार भी उसने मन की बात की है उतनी बार ही पब्लिक का नुकसान किया है. कदे नोटबंदी आ गई, कदे कोई कानून और पास कर दिए. अभी कहने ये सारे मंत्रियों का इन्हों टेस्ट होना चाहिए कि इन्हों का दिमाग खराब हो गया. जलो किसी घर का बाप जोड़ा ना कोई ये सीना
अंदरों पार के देखा जाए साडा खून खून टेस्ट किया जाए तो साढ़े खून के किन्ने जज्बे भरे ने सानू तो हुक्म दे दे असं इदा ही पैदल ही कोठी से जा चढ़ा इन्ना साढ़े मन के जज्बा भी तू कितना साड़िया जायदात बेच देगा असं पैदा बन्ने उत्ते घा नहीं ला देंगे किसी बंद कोई बंदा घा ला जाए असं वो लत्त वढ़न तैयार हाँ अभी उन्होंने मार देने तैयार हैं कई बंदे वो ने जड़े मार देने छोटे छोटे बच्चे साढ़े जड़े घर तो फूल कर रहे हैं भाई डैडी जी पापा जी किदन आओगे एरा पुत लैके वापस लैके बिल जड़े ने वापस करके आवेंगे ये पास नहीं हो देंगे अभी ये किसान नहीं किसी किसान को पुछ के देखो तुम इन्होंने खून के जी भरिया बच्चे पिया कपट जरा इन्हें मोदी ने साडे नाल कीता ये साडी जिंदगी तक साडे बच्चा तक ये साडा इतिहास एक रचिया जाएगा जे कि इन्ने गुरुआ ने यह इतिहास में बरकरार रखा तो अज ये पंजाब के लोगों ने आन के उतों इस इतिहास में फिर दोबारा रच के उजागर किया असं इन्हें ब्यास चौंक के कुंडली चौंक के एक निशान किसानों का ला जाएगा कि जित निशान जरा इस झूलेगा इतने ट्रैक्टर अशा रंगा लागल्यात हजारों ट्रैक्टर जे आहेत लाइन मध्ये या ठिकाणी उभे आहेत मात्र या सगळ्यामध्ये एक शब्द जो पापाजी ने सांगितला सरदारजी ने तो म्हणजे ते म्हणतात की त्यांची मुलं त्यांना विचारतात पापाजी घर कब आओगे कधी येणार माझा प्रश्न आहे आज इथे काही